भी बहुत ही आसान तरीके से। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए अरहर की दाल, वेजिटेबल्स कटी हुई, गार्लिक, टमाटर, प्याज, करी पत्ता, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, सांभर पाउडर, हींग, खड़े मसाले, लाल मिर्ची, राई, जीरा, थोड़ी सी इमली। चलिए हम सांभर बनाना शुरू करते हैं। पहले सबसे मैं अपनी दाल बॉयल होने रखूँगी। मैंने अच्छे से दाल को धो लिया है और मैंने एक कटोरी दाल थी तो मैंने 3 कटोरी पानी डाला है। इसका कोई प्रॉपर ऐसे मेजरमेंट नहीं होता, कम ज़्यादा पानी चल जाता है इसमें, क्योंकि सांभर में कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन इसमें डाल रही हूँ, इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ मैं इसका ढक्कन लगाकर अब रख दूंगी। इसको 3 विसल आने तक इसी में ही रहने देना है। चलिए अब हम तड़का बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल मैं 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, जैसे ही हींग थोड़ी सी गर्म हो रही है इसमें डाल दूंगी सूखी लाल मिर्ची, राई डाल दूंगी अपने, जैसे ही राई थोड़ी चटकने लग जाए इसमें ऐड कर दूंगी जीरा, अभी हमारी राई चटक रही है। अब इसमें मैं करी पत्ता भी ऐड कर दूंगी। जो मैंने वेजिटेबल काटी थी उनको डाल दूंगी, इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। वेजिटेबल आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे, हमारे बच्चे ये खाते हैं तो मैं गोभी, गाजर और बीन्स ले रही हूँ। आप जो उनसे भी वेजिटेबल चाहते हो वही ऐड कर सकते हो। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी, 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। अब हमें वेजिटेबल्स को थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो वेजिटेबल है मेरी अच्छे से कुक हो जाए। अब इसको 5-7 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। अब 5 मिनट हो गए हैं वेजिटेबल को सॉफ्ट होते, क्योंकि मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, सूखा धनिया 1.5 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, सांभर मसाला डालूंगी मैं 2 बड़े चम्मच, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाले मिक्स कर लेंगे इनमें। मैंने इमली का पानी भिगो के रखा हुआ था इमली को, और मैंने उसको छान कर उसका पानी लिया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे। अब जी हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है।
मैं गैस बंद कर दूंगी। अब हम दाल की तरफ जाएंगे। अब कुकर मैं खोलने लगी, उसको स्टीम भी सल आ गई थी और सारी स्टीम भी रिलीज हो गई है। अब इसे खोल कर चेक करेंगे। अभी हमारी सांभर अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब ये दाल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें तड़का ऐड करूंगी, गैस ऑन कर दूंगी। अब इसमें तड़का ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा है पानी मैं और ऐड करूंगी, क्योंकि थोड़ी मुझे थिक लग रही है सांभर, क्योंकि पानी का कोई ऐसा वो नहीं है कि कितना डालना है कितना नहीं। सांभर अपनी कोई पतली ज़्यादा खाता है, कोई थिक लेता है, अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हो। हम ज़्यादा ना पतली लेते हैं और ना ज़्यादा थिक। हाँ, अब सही है एकदम। ये देखो, अब इसको हम थोड़ी देर तड़के में मिक्स करके पकाएंगे, 5 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। अब हमारा सांभर अच्छे से बॉईल हो गया है, तड़का भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।